फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक अमेजिंग सा स्वीट। ओके, सो मैंने मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिया है रावा, दैट इज सेमोलिना, सूजी जो आप बोलते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सो दूध पुली के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सूजी का पुली बनाएंगे। फॉर दैट हम लोग अभी आप यहाँ पे डो बनाएंगे पहले, ठीक है, सूजी का डो बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कप्स मैंने यहाँ पे पानी लूँगी, ठीक है। पैन हम लोग गर्म हो गया है, 2 कप्स हम लोग यहाँ पे पानी लेंगे। पानी जैसे कि गर्म हो जाए, पानी हम लोग का गर्म हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे 1/2 टीस्पून सॉल्ट देंगे। ओके, पानी देखिए बॉयल होने लगा है, हम लोग यहाँ पे 1/2 टीस्पून घी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेम को कम कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे अपना जो सूजी सेमोलिना है वो मैं 1 कप लिया है यहाँ पे, वो मैं धीरे धीरे यहाँ पे दे दूंगी, ठीक है। और हम लोग एक डो फॉर्म कर लेंगे। जब मिक्सर हम लोग का पैन छोड़ने लगेगा तो हम लोग का मिक्सर डन हो जाएगा। हम लोग एक फाइन सा डो चाहिए यहाँ पे, फाइन सा हम लोग का डो देखिए रेडी हो रहा है। अभी हम लोग का पैन वो छोड़ने लगा है, पूरा छोड़ दिया है, तो हम लोग अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। ओके, मिक्सर को प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा वार्म होने के लिए रखेंगे। जब उसे पकड़ सके तब तक हम लोग इसको थोड़ा वार्म कूल कर लेते हैं अच्छा से। मिक्सर हम लोग का वार्म हो गया है पूरा, हम लोग ठंडा इसको नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग 1 टेबल स्पून यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिया है रिफाइंड फ्लोर, 1 टेबल स्पून दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 1 टेबल स्पून इस देना, ओके। बाइंडिंग के लिए थोड़ा हम लोग मैदा दे रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग देंगे घी, ओके। तो अच्छा सा वो टेक्सचर आता है, अब वो टेस्टी बनता है, ओके। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून दिया है घी, ओके। अभी हम लोग अच्छा से इसका एक डो बना लेंगे, ठीक है। पूरा ठंडा इसको मत करिए तो आपका अच्छा से वो डो नहीं बनेगा। हमने जो मैदा दिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून पे घी दिया है, वो हम लोग अच्छा से इसमें मैश कर लेंगे और अच्छा सा एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे। घी से बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और वो टेस्टी भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैं प्लेट में थोड़ा सा घी देती हूँ, ओके। सो अभी हम लोग इसको साइड में रखते हैं और आगे का प्रोसीड करते हैं। हम लोग का यहाँ पे जो मिक्सर है रेडी है, यहाँ पे रिफाइंड फ्लोर ले लिया है थोड़ा, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मावा होता है वो मैंने यहाँ पे लिया है, स्वीटन मावा, ये ड्राई फ्रूट्स मिक्स था, बस उतना ही है, ठीक है। आप यहाँ पे ना घर में आपका जो मिठाई रहता है ना उसका भी चूरा ले सकते हो, क्योंकि पेड़ा ऐसा पड़ा रहता है तो उसका मिक्स भी कर सकते हो। फिर अपने फ्रेश कोकोनट का भी जो बर्फी के लिए लड्डू के लिए बनाते हो उसका भी मिक्सर अंदर दे सकते हो, ठीक है। दिस आर द ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मावा के मिक्सर लिया हूँ। तो हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा बॉल ले लेंगे, ओके। ऐसा बॉल लेके जैसे रिफाइंड फ्लोर है हाथ में थोड़ा लगा लेंगे तो हाथ में चिपकेगा नहीं, एंड उसका हम लोग थोड़ा कटोरी शेप बना लेंगे। आप ये साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना छोटा बड़ा चाहिए आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा फिलिंग डालेंगे ताकि वो टेस्टी लगे, ठीक है। आप ये राउंड शेप में बना सकते हो, ठीक है, थोड़ा उसका अच्छा से शेप देके ही बना सकते हो, एज यू विश। मैं ऐसा थोड़ा सिलेंड्रिकल बना के थोड़ा उसको शेप देना अच्छा लगता है देखने में, शेप देके बना लेते हैं सब, ओके। ऐसा करके सेम थिंग यहाँ पे रिफाइंड फ्लोर थोड़ा लगा के अब राउंड शेप में बना सकते हैं, एज यू विश। हम लोग ने सब रेडी कर लिया है, देखिए सब रेडी हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे ये सब दूध में उबालने वाले हैं, ओके। मैंने यहाँ पे 1 लीटर मिल्क लिए थे, उसको मैंने बॉइलिंग में रखा है, ठीक है। उसको हम लोग 5-10 मिनट्स बॉयल करेंगे ताकि थोड़ा सा वो थिक हो जाए, हम लोग ज़्यादा थिकनेस नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग ये सब इसमें उबालना है, बॉयल करना है, ओके। तो हम लोग इसमें 1 लीटर मिल्क में ये सब हम लोग बॉयल करेंगे, ओके। मिल्क हम लोग का बॉयल हो गया है तो मैं यहाँ पे 4 कार्डमम दे रही हूँ, छोटी इलायची जो तोड़ के दे रही हूँ, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें,
और ये तेज पत्ता दे रही हूँ, ठीक है, इसको भी हम लोग तोड़ के देंगे। ओके, इसको हम लोग 5 मिनट्स तक अच्छा से उबाल लिए थे मीडियम टू हाई फ्लेम में, तो थोड़ा सा थिक हो हुआ है, ज़्यादा नहीं, जस्ट हम लोग ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। 5 to 7 मिनट्स अच्छे से उसको बॉयल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि शुगर और नहीं तो जैगरी जो भी आप देंगे उसमें से और थोड़ा वो फिर से वो पतला हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा इसमें, मैं यहाँ पे 1/2 कप जैगरी का इसे क्रश कर लिया है, जैगरी दे रही हूँ, आप यहाँ पे शुगर भी दे सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे जैगरी देंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे 1/2 कप दिया है, तो आप लोग का यहाँ पे कम ज्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा से इसको एक बॉयल दे दीजिए, मिल्क अच्छा से उबल चुका है, जैगरी भी अच्छा से मेल्ट हो गया है, अच्छा से फ्लेवर आ रहा है। अभी हम लोग धीरे धीरे अपना जो पुली है जो बनाए हुए हैं वो हम लोग अच्छे से यहाँ पे डाल देंगे, धीरे धीरे सब लो टू मीडियम में इसको हम लोग बॉयल कर लेंगे। ओके, हम लोग सब पुली यहाँ पे दे दिए हैं, अभी इसको लो टू मीडियम में हम लोग इसको बॉयल कर लेंगे, ढक देते हैं, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो जल्दी ये हो जाएगा। ओके, आफ्टर 5 मिनट्स हम लोग इसको चेक करेंगे। देखिए 5 मिनट्स हो गया है, तो हम लोग का रेडी हो गया, कैसे समझ में आएगा फ्रेंड्स। पुली ना हम लोग का जो क्या होता है ना ऊपर चला आता है, देखिए ऊपर चला आता है, बॉयल होने से ना पूरा ऊपर वो तैरता होता है, देखिए। तो हम लोग का मतलब हम लोग का पुली रेडी हो गया है, अच्छे से बॉयल हो गया वो। ओके, कितना अमेजिंग सा कलर आया है, इज़न्ट इट। सो फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई करिएगा रेसिपी को, ठीक है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, मेरा ना यहाँ पे जो हम लोग अंदर फिलिंग दिए थे ना वो मेरा 1 स्पून यहाँ पे बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर दे रही हूँ, तो अमेजिंग सा टेस्ट आएगा खोया। ओके, जो मिठाई जो रहता है तो हम लोग खोया के मिक्सर अंदर दे देंगे और टेस्टी बन जाएगा। सो हमें स्विच ऑफ कर देते हैं गैस को, देखिए अमेजिंग सा टेस्टी सा हम लोग रेसिपी, और इतना माउथ मेल्टिंग है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, मुँह में देने से घुल जाएगा, इतना सॉफ्ट है, देखिए अंदर में पूरा रस भरा एंड फुल ऑफ हम लोग का जो फीलिंग दिया है वो, सो टेस्टी, खा के दिखाती हूँ, जस्ट आई कांट रेजिस्ट इट, इतना टेम्पटिंग है, जस्ट यम फ्रेंड्स। आप लोग बनाइए, ओके, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कैसे लगा रेसिपी बना के खा के। ओके, थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी, टिल देन गुड बाय।